हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। हम बात करने वाले हैं कि आपने फ़ोन में अपने स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो कुछ वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने शो ऑल कॉन्टेक्ट कर वो सॉरी स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस, सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पिन में जाना है। डायल पिन में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस, हम अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको स्पीड डायल नंबर्स ओपन टू कीपैड सेटिंग कॉन्टैक्ट अस। तो गाइस, हम अपने फ़ोन में अपनी मतलब फ़ोन की सेटिंग करना चाहते हैं कॉल सेटिंग, तो उसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है ब्लॉक नंबर, तो आपको ब्लॉक नंबर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक अनकाउंट प्राइवेट नंबर, अगर जब आप इस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे तो आपके वो नंबर ब्लॉक हो जाते हैं जो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेफ नहीं होते। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर को आपको कॉल ब्लॉक करनी तो आपको यहाँ पर ब्लॉक स्पैम एंड स्पैम कॉल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से उसके नंबर डाल देना है यहाँ पर आपको, और आपको जिसकी कॉल वो डालनी है इस तरीके से यहाँ पर उसका नंबर डालेंगे और यहाँ से उसे ब्लॉक कर देंगे। तो गाइस, इस तरीके से आपको बेक करना है। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला था कॉलर आईडी एंड स्पैम, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कॉल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर ऑन कर देना। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड क्लोज, तो आपको इसे भी ऑप्शन को ऑन कर देना। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिला था, जो भी आपके फ़ोन में रिकॉर्ड कॉल्स होती हैं। तो इस बेक रहते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल ब्रेकडाउन, तो आपको ब्रेकडाउन पे क्लिक करना होगा बैकग्राउंड पे, और यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको जो भी अपने फ़ोन में अपने बैकग्राउंड रखना आप यहाँ से सेट कर देंगे। इसे सेट करने के जब आपका फ़ोन आएगा तो इस तरीके से आएगा। तो गाइस, बेक रहते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको कॉल आफ्टर्स एंड रिंगटोन, तो आप जिस पर क्लिक करेंगे आप अपने फ़ोन में अपने रिंगटोन लगाना चाहते हैं, जो भी आपको वॉल्यूम बटन साउंड जो भी आपको अपने फ़ोन में लगाना, तो आप यहाँ से अपना साउंड चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, बेक रहते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आंसरिंग एंड एडिटिंग कॉल्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करें रिकॉर्ड कॉल्स नंबर साउंड, आपको इसे ऑल ऑफ कर देना और यहाँ पर आपको सब ऑप्शनों को ऑन कर देना। तो भाई गाइस, बेक करते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको क्यू मैसेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे कि आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आती है तो आप उसकी कॉल नहीं उठा पाए, जब आपको टाइम मिले तो आप यहाँ से उसे लेटर भेज सकते हैं, यानी कि एसएमएस भेज सकते हैं। तो गाइस, बेक करते हैं। बेक आने के बाद यहाँ पर आपको कॉल डिस्प्ले ब्राइट इशू एप्स, तो आपको कौन सा उसमें रखना है, आपकी जो कॉल आती है इस तरीके से आप किस तरीके से या इस पर, तो अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो आपको मिनी ऐप आप पे रख देना है। तो बेक रहते हैं। बेक करने के बाद यहाँ पर आपको वाईफाई कॉलिंग करनी है, तो आप अपने फ़ोन में अपने वाईफाई कॉलिंग को कर सकते हैं इस ऑप्शन को ऑन करने से। इसे टर्न ऑन कर देंगे और यहाँ पर आपको वॉइस मेल पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सर्विस एंड वॉइस मेल नंबर, तो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जिस नंबर पे आप वॉइस मेल भेजना चाहते हैं तो आपको वॉइस नंबर पे क्लिक करना होगा और अपना नंबर डाल देना है यहाँ पर, उसे ओके करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ से उसे वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो गाइस, बेक रहते हैं। बेक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सुपर सर्विस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना। तो यहाँ पर आपको जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉल कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बेक आना है। बेक आने के बाद ऑथर ऑल कॉल सेटिंग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इन सब ऑप्शनों को आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको अबाउट का फोन है तो उसे ऐसे देने देना। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।